लगातार अपने कारनामे से सुर्खियों में रहने वाला तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है। दरअसल 5 जुलाई को बीए पार्ट 3 की परीक्षा के दौरान भागलपुर टीएनवी लॉ कॉलेज में एमएम कॉलेज की छात्रा सुप्रिया राज एग्जाम दे रही थी। परीक्षा के क्रम में केंद्राधीक्षक द्वारा छात्रा पर नकल करने का झूठा आरोप लगाते हुए कॉपी छीन लिया गया। इसके बाद केंद्राधीक्षक ने छात्रा सुप्रिया राज को अपने चैम्बर में बुलाया और सामने परीक्षा देने की बात कही। छात्रा केंद्राधीक्षक के चैम्बर में प्रश्न हल करने में व्यस्त थी कि तभी कॉलेज के कर्मचारी अमित कुमार सिन्हा ने छात्रा के प्रश्न पत्र पर मोबाइल नंबर सहित पैरवी करवाना है तो इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें लिख दिया और छात्रा से उसका नंबर मांगा। रात तकरीबन 9 बजे छात्रा को राजीव रंजन पोद्दार ने फोन कर परीक्षा से निष्कासित करने की जानकारी दी। हम एग्जाम दे रहे थे, अचानक से मैम आई और बोली तुम्हारे डेस्क पे लिखा गया है और तुम्हारा कॉपी लेके चली गई ऑफिस। हमको बोली कि अगर तुमको कॉपी चाहिए तो ऑफिस जाओ। ऑफिस में गए, वहाँ पे सर बैठे हुए थे, वो बोले कि तुमको अगर वहाँ पे नहीं लिखा जा रहा तुम ऑफिस में ही बैठ के एग्जाम दो। हम ऑफिस में ही बैठ के सारा क्वेश्चन लिखे और जब मेरा टाइम हो गया, घंटी लग गया, तो मेरा कॉपी ले लिया गया और फिर बोले तुम अपना नंबर लिख के दे दो। कौन बोले थे? पोद्दार सर, राजीव रंजन पोद्दार सर। फिर क्या हुआ? फिर मेरे क्वेश्चन में देखे तो अमित सर आके अपने क्वेश्चन में नंबर लिख दिए कि पैर भी कराना हो तो इस नंबर पे कॉल करो। क्या चीज़ का एग्जाम था? सोशियोलॉजी का। कौन सा पार्ट का? पार्ट 3rd का। क्या नाम आपका? सुप्रिया। शनिवार को छात्रा सच्चाई का पता लगाने टीएनवी लॉ कॉलेज पहुंचकर प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर एसके सिन्हा से मुलाकात कर निष्कासन से संबंधित जानकारी मांगी। देखिए, जो लड़की को एक्सपल्शन के लिए हम लोग हमारे इन्विजिलेटर ने पकड़ा, वो फोटो शॉट करवाने में थोड़ी देर हुई क्योंकि मेरा प्रिंटर ठीक नहीं था और लाइन नहीं थी, तो उसको हम लोग बाहर से करवा के मंगवाए। इस क्रम में हम सोचे कि अगर उसका नहीं मिलेगा तो उसका एक्सपल्शन नहीं होगा, तो उसको हमने समय दिया कि वो अपने से लिखे, तो वो लिखना शुरू की। उसको हम सामने में ही बैठवा करके लिखवाए। सर, आपने विश्वविद्यालय को सूचना नहीं दी, प्राचार्य को सूचना नहीं दी? प्राचार्य को सूचना, चूँकि प्राचार्य ऊपर आते हैं, तो हमने सोचा था कॉपी में हमने चीट अटैच किया और उसको अपने टेबल पर रखा। इसी क्रम में कहीं कुछ ऐसा सेबोटाइज हुआ है कि कोई उसको निकाल करके कॉपी के लॉट में मिक्स कर दिया है ना, तो चूँकि सुपरिटेंडेंट आते हैं ऊपर में, तो हम सोचे थे कि उससे सिग्नेचर करवा लेंगे और ये मामला हो गया था कि इसका एक्सपल्शन होना है और इन्विजिलेटर में ने भी सारा चीज़ कर दिया था रिपोर्ट हमको, और उसने ही हमको ये सारा चीज़ मुहैया करवाया था। क्या नाम है सर आपका? राजीव रंजन पोद्दार। वहीं शहर की कांग्रेस नेत्री ने जब छात्रा को किए गए नंबर पर संपर्क किया तो नंबर कॉलेज कर्मी अमित कुमार सिन्हा का निकला। कल रात में टीएनबी लॉ कॉलेज की एक लड़की जिसका एमएम कॉलेज की है, वो उसका सेंटर यहाँ पड़ा था, उसने रात के 10 बजे मुझे कॉल किया कि कोई टीएनबी लॉ कॉलेज के प्रोफेसर हैं राजीव रंजन पोद्दार, उन्होंने उसको कॉल करके बताया है कि तुम एक्सपेल कर गई हो। हमने रात में उसको बोला कि इस समय इस मामले को छोड़ दो, नंबर हमने ज़रूर लिया, रात में कई दफ़ा हमने सर को फ़ोन किया और वो ये भी बताई कि उसको एक तो फ़ोन से उसको सूचित किया गया और दूसरा कोई अमित नाम का यहाँ का एक स्टाफ है जो कि उसके नंबर पे क्वेश्चन पेपर पे लिख के देता है कि पैरवी करवाना है तो इस नंबर पे संपर्क करें। इसके बाद छात्रा ने इस पूरी घटना की जानकारी पत्र के माध्यम से राजभवन और कुलपति को दी। मामला संज्ञान में आते ही तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह और लीगल ऑफिसर डॉक्टर राजेश तिवारी लॉ कॉलेज पहुंचे और पूरे मामले की तहकीकात की। नई कंप्लेन आया हुआ है किसी छात्रा के अगेंस्ट में, बीए पार्ट 1 का सोशियोलॉजी का पेपर था, पार्ट थ्री का, तो उसको वो आई थी कि उसको सस्पेंशन कर दिया गया है और जिस तरह से उसने एप्लीकेशन दिया है, हमने इमीडिएटली मैं और हमारे लीगल कोऑर्डिनेटर उसी वक्त हम लोग कॉलेज पहुंच गए हैं और पूरी जानकारी कर लिए हैं और उसके एक्सपल्सन जो है पेपर पे साइन करके नहीं दिया गया है, ना तो एग्ज़ाम सेंटर जो सुपरिटेंडेंट को भी मालूम नहीं था और उन्होंने हमें लिख के दे दिया है कि उन्होंने साइन नहीं किया, उसका एक्सपल्सन नहीं हुआ है। कंट्रोलर बता रहे थे कि एक्सपेंसल हुआ है, लेकिन सेंटर सुपरिटेंडेंट जो है ही इज अथॉरिटी और उन्होंने लिख के दिया है कि उस लड़की का एक्सपेंसन नहीं हुआ है।
और हम इसकी अभी जा रहे हैं, इसकी तहकीकात में जाएंगे हम, और जो एक्शन होगा हम लेंगे उसको। मैंने सुप्रिया राज कुछ लड़कों के साथ आई थी रजिस्ट्रार साहब से मिलने के लिए। रजिस्ट्रार साहब ने मामला को गंभीर पाया और गंभीरता को देखते हुए तुरंत जो है हम लोग टीएनबी लॉ कॉलेज आए और इसकी प्रॉपर इंक्वायरी की गई, और इंक्वायरी क्रम में यह पाया गया कि जो कंट्रोलर के द्वारा कहा जा रहा था कि लड़की एक्सपेल हुई, लेकिन प्रिंसिपल ने स्पष्ट शब्दों लेकर के दिया कि नहीं, सुप्रिया राज का किसी तरह का एक्सपेलशन नहीं हुआ है। और इसके अलावा जो सुप्रिया राज के द्वारा जो भी आरोप लगाए गए थे किसी कर्मी के बारे में, कॉलेज कर्मी के बारे में, उससे भी पूछताछ की गई है, उसको भी लिखवा लिया गया है। मामला की और तहकीकात की जाएगी, आवेदक का भी बयान लिया जाएगा, परीक्षा नियंत्रक का भी बयान लिया जाएगा। चूँकि रात काफ़ी हो गई है, इसलिए हम लोग जो है फर्दर इंक्वायरी जो है मंडप करेंगे। जिस कमरे में परीक्षा चल रही थी इसको भी सील कर दिया गया, सीसीटीवी जहाँ है वहाँ भी सील करा दिया गया। बाकी मामला आगे जो भी आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है प्रथम दृष्टया में क्या लगता है? नहीं, प्रथम दृष्टया में मामला जो आरोप लगाया गया है छात्रा के द्वारा कि मुझे एक्सपेल कर गया था, वो तो क्लियर हो गया कि एक्सपेल नहीं किया गया है। ये बात सबसे बड़ी हम लोग के लिए सबसे बड़ा एंजाइटी ये था कि वो एक्सपेल हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन ये क्लियर हो गया जांच में कि उसका कोई एक्सपेलशन नहीं हुआ था। रजिस्ट्रार के तल्ख तेवर के बाद प्राचार्य समेत कॉलेज कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया। प्राचार्य और आरोपी अमित कुमार से रजिस्ट्रार ने लिखित में जानकारी ली। वहीं रजिस्ट्रार ने परीक्षा हॉल और सीसीटीवी रूम को सील कर दिया है। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने कहा कि मामला काफी गंभीर है और दोषी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा में गड़बड़ी, कदाचार, पेंडिंग रिजल्ट और छात्रों से अवैध वसूली को लेकर सुर्खियों में रहने वाला तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय इस बार निष्कासन के नाम पर शारीरिक शोषण का छात्रा ने आरोप लगाया है। इसको लेकर छात्रा ने दोषी कर्मियों पर निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की है, नहीं तो छात्रा ने आत्महत्या करने की बात कही है।